जिसका आंचल न देखा मऊ महर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम, जिसके दुपट्टे को कभी चांद सूरज ने नहीं देखा। वो सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद 6 महीने रोती ही रही, कभी नहीं मुस्कुराया, सिर्फ एक दिन मुस्कुराया, वो भी विसाल के दिन मुस्कुराया। और कैसे? असमा बिनते से कहा, असमा क्या करूं, बहुत फिक्रमंद हूं कि बाबा ने तो एक बात कही थी, उसका पूरा होने का वक्त आ गया। कहा वो क्या है? कहा वो तो किसी को नहीं बताना, लेकिन बात इतनी है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरे विसाल का वक्त करीब आ गया है, लेकिन अब मैं फिक्रमंद इस पर हूँ कि पूरी ज़िंदगी मेरी चादर को किसी मर्द ने नहीं देखा। मदीने मुनव्वरा के अंदर रिवाज है, मदीने तय्यबा में रिवाज है कि जब किसी का इंतकाल होता है तो उसको चारपाई पे डाल कर ले जाते हैं और एक चादर उस पर डाल देते हैं, तो जो चादर मुझ पे पड़ी होगी उस चादर पर किसी मर्द की नज़र पड़ गई, तो जबकि मेरी चादर पर कभी किसी मर्द की नज़र नहीं पड़ी। फिक्र इसी बात की है, अगर मेरी कौम की बेटियां यहाँ मौजूद है तो मैं उन कौम की बेटियों से पूछना चाहता हूँ जिसका बाप इमामुल अंबिया हो, जिसके वालिद बुजुर्गवार नबियों के इमाम हो, जिसके घर जिब्रील इजाज़त के बगैर ना आता हो, उसके तकवे का आलम क्या है कि बादे विसाल भी पर्दा फरमाने के बाद भी अपने जिस्म पर नहीं, जिस्म पर कफन होगा, कफन चारपाई पर कफन के साथ जिस्म होगा, उस पर जो चादर पड़ी होगी उस चादर का कोई ताल्लुक ही नहीं है जिस्म से। सोचती है कि उस चादर पर भी किसी की नजर न पड़े। सैयदा फातिमा ने असमा बिनते उमैस से कहा, असमा जब वो चादर मेरे जिस्म पे पड़ी होगी या किसी मर्द की नज़र पड़ गई तो क्या होगा? असमा ने कहा कि मैं मदीने मुनव्वरा के बाहर एक शहर में गई थी तो मैंने वहाँ देखा कि जनाजा लोग चारपाई पे नहीं ले जाते बल्कि डोली में ले जाते, जो आजकल जनाजा अपने यहाँ राइज है हिंदुस्तान में, उसमें लेकर जाते, ऊपर से छतरी भी होती है, तो उसकी वजह से जिस्म अंदर रह जाता है और फिर चादर पर किसी की नज़र नहीं पड़ती। और मैंने उसको देखा है, मैं उसको बेआईने ही ऐसे ही बना सकती हूँ। बाप के गम में 6 महीने तक रोने वाली फातिमा जब वो जनाजा बन करके आया तो लबों पर इत्मीनान की मुस्कुराहट पहली बार आ गई। क्यों? कि दुनिया से मैं जाऊँगी तो अपनी हया के तहफ़्फ़ुज़ के साथ जाऊँगी। इमाम अब्दुर्रऊफ मुनावी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, जिनका तस्करा तमाम मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा ने बड़े अदब के साथ किया और आला हज़रत उनको बहुत अलकाबात के साथ लिखते हैं। इमाम अब्दुर्रऊफ मुनावी कहते हैं कि जब सैयदा फातिमा के विसाल का वक्त आया तो ख़ुद गुस्ल किया, कपड़े पहने और कहा असमा से कि मैंने गुस्ल कर लिया है, अब मेरे इंतकाल के बाद कोई मुझे गुस्ल न दे। इसमें मुहक्किकीन के अलग अलग अक़वाल है और मेरी आदत है कि मैं मुहक्किकीन की तहकीक में कौम को उलझाना नहीं चाहता, बस जो फजीलत की बात है वो अर्ज़ कर रहा हूँ, वरना उस पर बहुत अकवाल मौजूद है। इमाम अब्दुर्रऊफ मुनावी लिखते हैं कि सैयदा ने कहा मेरी मौत मेरा गुस्ल नहीं तोड़ेगी, इसलिए मुझे मौत के बाद कोई गुस्ल न दे और मेरे कपड़ों में मुझे कफन दिया जाए और इस तरह मुझे उठाया जाए कि मेरे जनाजे की चादर पर भी अजनबी मर्दों की नज़र न पड़ने पाए। आप मुझे बताएं, ये सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा की ज़िंदगी है। और बल्कि साहबे रूहुल बयान ने तो यहाँ तक लिखा कि अल्लाह ने जनाब इजराइल से कहा, ओ इजराइल, फातिमा की रूह तूने नहीं कब्ज़ करना, क्योंकि फातिमा तुझे भी अपने हुजरे में गवारा नहीं करेगी, मैं फातिमा की रूह खुद अपने दस्ते कुदरत से कब्ज़ करूँगा। ये सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा की शान है, ये मुकाम फातिमतुज़्ज़हरा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब उसकी जिसने नकल की उनको मर्तबे मिले, उन्हीं की नकल का नाम तकवा है, उन्हीं के किरदार को अपनाने का नाम तकवा है। और फातिमा हर रात कहती थी, अल्लाह कोई रात ऐसी तो दे कि फातिमा दिल खोल के सजदा कर ले, एक रात ऐसी दे मौला कि फातिमा दिल खोल के सजदा कर ले। फिर क्या हुआ? सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा मगरिब की नमाज के बाद जब आपने नफल शुरू किया, रमज़ानुल मुबारक की 3री शब थी, मंगल की शब शुरू हो चुकी थी, पीर का दिन गुजर चुका था और सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा ने नफिल शुरू किया। तो नफिल शुरू करने के बाद जनाब फिज़ा कहती है कि मुझे घर से बाहर कर दिया कि फिज़ा घर से बाहर चली जाओ। इस पर तो बहुत तवील गुफ्तगू है। अल्लामा अबुल हसनात जो आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला के जो वो खलीफा के शहजादे हैं और हुजूर सरकार शेखुल मशाइख सरकार अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह ताला अलैह के भी जो है वो खलीफा हैं। इस तरीके से उन्होंने बड़ी तवील बात लिखी है। बात उन्होंने तो ये लिखी है कि जब सैयदा फातिमा के विसाल का वक्त है, टाइम अगर नहीं हो रहा है तो मैं थोड़ी सी बात थोड़ा टाइम लूँगा सैयदा फातिमा का विसाल के लम्हात बयान करूँ। जब सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा के विसाल का वक्त करीब आया तो उस वक्त सैयदा फातिमा ने क्या किया, उस शब अपने हाथ से रोटियाँ बनानी, जल्दी जल्दी रोटियाँ बनाना शुरू की। दिन में हसनैन को नहलाया, कपड़े पहनाए और जब शाम का वक्त आया तो मगरिब के करीब चूँकि रमज़ान शरीफ का महीना था, अपने हाथ से अपने बच्चों को खाना खिलाती। कभी ज़ैनब को खिलाती, कभी मौला हुसैन को खिलाती, कभी इमाम हसन को खिलाती है और उसके बाद दुपट्टे से आंसू पोंछती है। ये मंज़र जनाब फिज़ा ने देखा, कहने लगी शहजादी कौनैन रोज़ाना तो कनीज़ की ड्यूटी थी कि मैं शहजादों को खिलाया करूँ, आज ये ड्यूटी तब्दील क्यों हो गई? क्या कोई नाराज़ हो गई? आप मुझसे नाराज़ हो गई जो ये ड्यूटी छीन ली, खिदमत छीन ली? का छीनना मेरा काम नहीं। दरअसल बात यह है कि अब ये बच्चे अपनी माँ के हाथ से फिर कभी खाना न खाएंगे। अब वो वक्त आ गया है। फिज़ा हुसैन को इसलिए खिलाती हूँ कि जब करबला में 3 दिन भूखा रहेगा तो भूख की वजह से वो ज़मीर का सौदा न कर ले, माँ के हाथों के लुक में उसको याद आ जाए। ज़ैनब को इसलिए खिलाती हूँ, जब दमिश्क के कैद खाने में ज़ैनब रोटी के टुकड़े टुकड़े को तरस रही होगी तो तब माँ के हाथों का खिलाया हुआ टुकड़ा, माँ के हाथों का खिलाया हुआ लुकमा ज़ैनब को हौसला बख्शेगा। हसन को इसलिए खिलाती हूँ कि जब मेरे हसन को जहर देकर कलेजे के टुकड़े किए जाएंगे तो उस वक्त मेरा हसन माँ के हाथों के खाए हुए लुकमे को अपने दिल के लिए तसल्ली महसूस कर सके। अल्लाह हू अकबर। जब बेटों को खिला चुकी तो सर पर हाथ फेरती है। मौर्खी ने लिखा है, नन्ना शहजादा हुसैन कहता है अम्मी हमारे घराने में तो इस तरीके से यतीमों के सर पे हाथ फेरा जाता है, क्या जिसका बाप हो, जिसकी माँ हो और वो भी फातिमा जैसी माँ हो, जिसका अली जैसा बाप हो, उसके सर पर यतीमों की तरह हाथ। सैयदा रोने लगी और कहती हाँ बेटा सही कुछ है। और फिर कहती है तीनों को जाओ नाना के आस्ताने पे सलाम करके आओ। ये तीनों गए और जाने के बाद फौरन वापस आए। जब वापस आए तो मौलाए कायनात से बात हो रही थी। अब बात क्या हो रही थी तवज्जो करें, जिसकी शान में अर्ज कर चुका अल फातिमा तो बुदा तो मिन्नी, वो अली ये मुर्तज़ा के कदमों को पकड़े हुए हैं और कहती अली तुम राजी हो के नाराज? आप तवज्जो तो करें, जो नबी के दिल का चैन है, राहते जाने मुस्तफ़ा है, अपने शोहर के कदमों को पकड़ के कहती राजी हो के नाराज? मेरे मौला ने कहा हम तुमसे ज़िंदगी में नाराज़ कब हुए थे जो आज नाराज़ होंगे? तो उस वक्त कहती है मेरे बाबा ने मुझसे कहा था फातिमा अगर तेरा शोहर तुझसे नाराज़ और तेरी मौत हो जाए तो क़यामत के दिन तुम उससे मुलाकात नहीं करना। इसलिए अली पूछती हूँ आप राज़ी है कि नाराज़? और क़यामत तक की हर औरत को एक जहन दे दिया, अगर तेरे पास पूरी पूरी रात भर की इबादतें हों, तेरे पास तिलावत कुरान हो, तेरे पास सजदों की कसरत हो और शोहर नाराज़ है तो सोच तेरा अंजाम क्या होगा। आज की औरतें इल्ला माशाअल्लाह, शोहर घर से बाहर निकला तो बगैर पूछे वो भी निकल जाती है। आज ये घरों का माहौल है। फिर क्या होता है इस पर मैं कोई तफसीरा नहीं करना चाहता, लेकिन वो जिसके घर में जिब्रील इजाजत के बगैर ना आए, जिनके लिए आयते ततहीर नाजिल हो, वो सैयदाए कायनात शोहर को राजी है कि नाराज पूछ रही है। इधर बच्चे घर में दाखिल हुए, सैयदा ने कहा बच्चों मैंने कहा था ना कि नाना से जाकर के सलाम अर्ज करो और तुम फिर वापस आ गए। तो शहजादे कहते अम्मी आपकी सुने कि नाना की सुने? आप कहती नाना के पास जाओ और नाना कहते तुम्हारी अम्मी के पास जाओ। कहा नाना ने क्या कहा? कहा हमने देखा कि नाना के चेहरे मुशाबे एक सूरत देखी कि वो रो रहे हैं और नाना जान उनको तसल्ली दे रहे हैं। तो कहा वो रो के क्या कह रहे थे? कहा वो रो के ये कह रहे थे कि या रसूल अल्लाह आपके नवासे यतीम हो जाएंगे, आपकी फातिमा की जो आपकी शहजादी है नवासों से माँ का साया सर से उठ जाएगा। तो कहा वो कौन थे? कहा कि बेटा वो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, तुम्हारे नाना के दादा थे। तो कहा माँ वो क्या कह रहे थे? आंख में आंसू आ गए, कुछ नहीं कहा। और उसके बाद जनाब फिज़ा कहती है कि मुझे घर से निकाल दिया। कहा कि जाओ, अब वो वक्त आया है कि मैं अपने अल्लाह को सजदा करूं। हर रात एक तमन्ना थी, इतनी तवील बना रात कि एक रात दिल खोल के सजदा कर ले। अब मंगल की शब मगरिब की नमाज में जब नफिल सजदा किया है, नमाज का नफिल नमाज का, तो फिज़ा कहती है फातिमा की पुष्ट से लेकर छत तक और छत से लेकर आसमान तक मैंने नूर की किंदीलें देखी। ये मंजर देख करके मैं घर में आने की हिम्मत न थी क्योंकि सैयदा ने घर से बाहर किया था, लेकिन फिर भी मैंने ये मंजर देखकर घबराई क्योंकि मेरा दिल कुछ कह रहा था कि ये मंजर आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो उस वक्त सैयदा अपनी जान जाने आफरी के हवाले कर चुकी थी और सजदे ही में सर था। लोग कहते कि मैदान करबला में हुसैन सब कुछ लुटा चुके, इतने जख्म खा चुके, तीर तलवार से लहूलहान है, फिर हुसैन को सजदा कैसे याद आया? इसलिए कि माँ को देखा था, माँ ने सजदे में जान दी, बाबा ने हालत नमाज में जामे शहादत नोश किया। तो फिर हुसैन ने सोचा जब माँ सजदे में गई, बाप ने जामे शहादत हालत नमाज में नोश किया, तो फिर हम क्यों पीछे रहे? तो माँ का वो सजदा जनाबे मौला हुसैन को याद आया, मेरे मौला को याद आया और आपने सर सजदे में रखा। लोग ये कहते हैं कि माँ से सीखा हुआ सबक बच्चा कभी नहीं भूलता, तो करबला में ये सजदे में जान देना हुजूर हुसैन ने किसी दरसगाह से नहीं सीखा था, ये अपनी अम्मी से सीखा था, ये अपनी माँ से सीखा था। और मेरे मौला ने सजदे की हालत में जान जाने आफरी के हवाले की है। इस तरह फातिमा को एक रात सजदे के लिए ऐसी मिली कि फातिमा कहती थी मौला दिल खोल के मैं सजदा तो कर सकूं। फातिमा ने सर सजदे में ऐसा रखा कि यूं लगता है आज तक सैयदा ने सर को सजदे से नहीं उठाया। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसी तकवे को राबिया बसरी ने इख्तियार किया तो राबिया का वो मकाम हो गया कि राबिया हज को गई तो काबा इस्तिकबाल के लिए आया और काबा को देखकर कहती है ऐ काबा तू क्यों आया? मैं तुझे देखने थोड़ी आई, मैं तो तेरे रब का दीदार करने के लिए आई हूं। आप गौर फरमाएं, अल्लाह अकबर। सैयदा के तकवे को कोई इख्तियार कर ले तो ये मकाम मिल जाता है। बस जाते जाते अपनी गुफ्तगू को एंड करता हूं और अर्ज करता हूं कि जिन लोगों ने सैयदा फातिमतुज़्ज़हरा का तकवा इख्तियार किया, उनके तकवे की बरकतों ने कई मर्दों की जिंदगियों में इंकलाब बपा कर दिया।